गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर साइंस ऑनलाइन क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 5 एंड चैप्टर इज दैट इज लेसन नंबर 11, एयर एंड वाटर. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एयर एंड व्हाट इज वाटर. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट वर्ड इज एटमॉस्फियर. क्या होता है एटमॉस्फियर? यानी जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फियर, यानी हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है. एटमॉस्फियर, स्फीयर यानी गोला, है ना. तो जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फियर, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ऑल ऑफ यू नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इन आवर एयर देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ गैसेज. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय दीज गैसेज इन द फॉर्म ऑफ एन एनवलप नोन एज एटमॉस्फियर. और जो हमारी धरती है वो एक लिफाफे की तरह है, जिसमें सारी क्या है, गैसेस मिक्स होती हैं और एटमॉस्फियर बनाती हैं, यानी चारों तरफ का वातावरण बनाती है. इट एक्सटेंड्स अप टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अबव द अर्थ. और ये जो वातावरण है, ये अबव द अर्थ यानी धरती के बहुत ऊपर तक, इसका वातावरण बहुत ऊपर तक है, यानी एटमॉस्फियर बहुत ऊपर तक जाता है. और ये फैला हुआ कहाँ तक है? सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, यानी बहुत सारे किलोमीटर्स अबव द अर्थ, हमारी धरती के ऊपर तक फैला हुआ है. All living organisms need air to survive. And as you know, for living, जो जिंदा हैं उनको air चाहिए to breathe. So if there was no air, अगर हमारे air ना हो तो क्या होगा? There would have been no life on the earth. क्योंकि हमारी जो earth है उसके ऊपर air है, इसीलिए हम सब जिंदा हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं. और सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? Air चाहिए. The atmosphere is thicker at the sea level and its thickness decreases with the height. जो एटमॉस्फियर है वो सबसे, जो सी लेवल यानी समुद्र का जो लेवल है, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा क्या है? थिक है. थिक मतलब ज़्यादा है, मोटा है. एंड इट्स थिकनेस डिक्रीजेज विद द हाइट. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसकी जो थिकनेस है, उसकी मोटाई है, वो क्या होती है? कम होती जाती है. ड्यूरिंग द डे द अर्थ ट्रैप्स सम पार्ट ऑफ सन्स हीट एंड रिफ्लेक्ट्स अ लार्ज पार्ट बैक टू द एटमॉस्फियर. दिन में क्या होता है? अर्थ ट्रैप सम ऑफ द सन्स हीट. जो हमारा सूरज हमें हीट देता है, क्या करती है? अर्थ उसको खींचती है. आपको ऊपर सूरज है, धरती उसको खींचती है, ठीक है. सन्स हीट एंड रिफ्लेक्ट्स अ लार्ज पार्ट बैक टू द एटमॉस्फियर. और फिर वो धरती पे आती है और धरती उसको वापस रिफ्लेक्ट करती है. किसको देती है? एटमॉस्फियर को. यानी जो सन की, जो आपका दिन के समय में अर्थ क्या करती है? सबसे पहले सन की हीट को ट्रैप करती है, यानी पकड़ती है, और उसको वापस बदले में रिफ्लेक्ट करती है एटमॉस्फियर को, हमारे वातावरण को. द एटमॉस्फियर रिफ्लेक्ट इट बैक टू द अर्थ. और वापस क्या करता है जो एटमॉस्फियर है? वो उसको अर्थ को बैक टू द अर्थ पार्शली टू गिव अस वार्म्थ ड्यूरिंग नाइट टाइम. और जो हमारा वातावरण है, जो एटमॉस्फियर है, उसको वो वापस धरती को भेज देता है, ताकि हमें क्या मिल सके? गर्मी ड्यूरिंग नाइट टाइम. हमें रात को गर्मी मिल सके, इसलिए एटमॉस्फियर उसको वापस दे देता है. यानी कुल मिला के क्या होता है? सबसे पहले जो हमारी जो अर्थ है, उसने सन की हीट को लिया, फिर कुछ पार्ट अर्थ ने वापस रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करके एटमॉस्फियर को दे दिया. बदले में क्या किया एटमॉस्फियर ने? हमें वापस अपने जो गर्मी थी वो वापस दे दी, ताकि हम उसको नाइट में यूज़ कर सकें. अब जैसे है कि हमने सॉयल पड़ी थी, हमारी धरती पड़ी थी, उसके हमने लेयर्स पड़ी थी, टॉप, है ना, टॉप लेयर दैट इज़ टॉप सॉयल, देन इज़ सब सॉयल, एंड दैट इज़ द नेक्स्ट इज़ बेड रॉक. जो सबसे नीचे हमने तीन लेयर्स पड़ी थी, उसी तरह हमारे जो एटमॉस्फियर है, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं. सो लेट्स स्टडी वन बाय वन. एटमॉस्फियर इज़ नॉट यूनिफॉर्म. एटमॉस्फियर एक जैसा नहीं है. सो इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड एज मैनी लेयर्स. जैसे हमारी धरती भी एक जैसी नहीं है, यानी कहीं पत्थर है, कहीं मिट्टी है, कहीं कुछ है, कहीं मोटे पत्थर है, कहीं सैंड है, कहीं पेबल्स है, उसी तरह हमारा जो एटमॉस्फियर है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा नहीं है. लेट अस लर्न अबाउट द लोअर फोर लेयर्स विच हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग बींग्स. तो अभी हम सबसे पहले हमारी धरती की जो चार एटमॉस्फियर, सॉरी एटमॉस्फियर वातावरण है, उसकी चार लेयर पढ़ेंगे, जो हमें लिविंग बींग्स पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब असर दिखाती हैं, जो सबसे ज़्यादा असर दिखाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. पहली है हमारी ट्रोपो. जैसे हमारा एटमॉस्फियर था, तो स्फीयर तो सब में सेम है. पहली हमारी है ट्रोपोस्फियर.
दिस लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, ये क्या है, सबसे नीचे की है। ट्रोपोस्फियर इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, और क्योंकि ये सबसे नीचे है इसलिए ये सबको ज़रूरत है। एयर इज द डेंसेस्ट हेयर एज कम्पेयर टू अदर लेयर, डेंस का मतलब यहाँ पे जो एयर है, हवा है, वो सबसे ज़्यादा घनी है। डेंस का मतलब घना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनी एयर है एज कम्पेयर टू अदर लेयर्स, जो और हमारी लेयर्स हैं उन पे एयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब जहाँ थिकनेस ज़्यादा, जो ट्रोपोस्फियर है इसके ऊपर हमारी जो एयर है वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा घनी है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 0 to 15 किलोमीटर थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, यानी आप सोच सकते हो कि 0 to 15 किलोमीटर यानी आपके घर से अगर आपको हाथी नाला तक जाना है दैट मीन्स होता है 50 किलोमीटर, ओके, अराउंड मान के चलिए 15 किलोमीटर, यानी इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है 0 to 15 किलोमीटर्स। ऑल द वाटर इन द एटमॉस्फियर अलॉन्ग विद गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन एच। अब आपको पता है आप धरती पे रहते हो तो जो सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो इस ट्रोपोस्फियर पे ये सब कुछ पाया जाता है, ऑल द वाटर, क्योंकि पानी भी ज़मीन पे है, लैंड पे है, तो सारा पानी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगाइए 10 से 15 किलोमीटर कितना लंबा होता है, तो उतनी दूरी में आपका ये क्या है, ट्रोपोस्फियर, और इट इज़ द लोअर मोस्ट यानी सबसे नीचे की लेयर, यानी सबसे नीचे हम हैं इसलिए हमारी जो सबसे नीचे की लेयर है वो क्या है, ट्रोपोस्फियर, ओके। तो इसको याद रखिए, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, ये क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपो फर्स्ट लेयर, स्ट्रेटो सेकेंड लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर फ्रॉम अर्थ एट 15 से 50 किलोमीटर। अब 0 to 15 की एक रेंज बन गई, 0 to 15 तो हमारी थी ट्रोपोस्फियर, अब 15 से लेके 50 किलोमीटर यानी आप कहाँ तक चले गए, हाथी नाला से आप कहाँ पहुँच गए हो, चौपन तक, ओके, इतनी दूरी। फिर से ओजोन इज़ प्रेजेंट इन देयर, यहाँ पे क्या क्या था, जो हमारी ट्रोपोस्फियर थी इसमें ऑक्सीजन थी, याद रखिए, नाइट्रोजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों तो साथ चलेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है ओजोन, जो हमारी ओजोन है वो इन दिस लेयर विच फिल्टर्स ऑल द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेयर्स। तो जो ओजोन है यानी 15 से 50 के बीच में, 15 to 50 किलोमीटर के बीच की जो लेयर है उसमें क्या पाई जाती है, ओजोन, और जो ओजोन होती है जो ऊपर से जितनी भी हार्मफुल रेज आती हैं, सूरज की जो रोशनी आती है जो ख़तरनाक होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको क्या करता है, हमारा ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये रोकता है। द एयर ऑफ दिस लेयर इज़ वेरी थिन, और जो इसकी हवा है वो क्या, जो इसकी लेयर यानी जो इसकी परत है वो क्या है, बहुत पतली है। ट्रोपोस्फीयर की लेयर कैसी थी, डेंस थी यानी घनी थी, ओके। तो हमने अभी पढ़ी एक ट्रोपोस्फीयर, एक पढ़ी स्ट्रेटोस्फीयर, और बाकी अब हमारे पास हमने चार पढ़नी थी, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। अब नेक्स्ट है हमारी आयनोस्फीयर, अब इसमें क्या होता है, दिस इज प्रेजेंट अबव स्ट्रेटोस्फीयर, तो पहली ट्रोपो आई, फिर स्ट्रेटो आई, अब क्या आई, आयनो आई। इट इज़ वेरी थिन, ये आपकी क्या थी, डेंस थी, ये थोड़ी थिन थी, इसमें ओजोन थी, और ये क्या है, ये बहुत ही थिन है, एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो वेव्स, और जितनी भी रेडियो वेव्स आती हैं उनमें ये हमें हमारे तक जो रेडियो वेव्स आती हैं उनको ये वाली जो स्फीयर है, जो आपकी ये लेयर है, ये हेल्प करती है। अब है एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर की, देयर इज़ नो एयर इन दिस लेयर, इस लेयर पे कोई भी हवा नहीं है, कोई भी एयर नहीं है। ऑल्सो अर्थ ग्रेविटी इज़ वेरी वीक हेयर, और यहाँ पर अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी बहुत कमज़ोर है। तो आज हमने चार लेयर पढ़ी, पहली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो आप लोग भी इसकी यहाँ तक रीडिंग करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग ये चेक योरसेल्फ जो क्वेश्चन है ये डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।